कुरुक्षेत्र के अंधेरे आसमान के नीचे युद्ध की गूंज आखिरकार शांत हो गई। कभी जीवंत मैदान, अब खून और राख की गंदी टेपेस्ट्री एक माँ के दुख का मूक गवाह है जिसने अपना सब कुछ खो दिया है। कौरवों की रानी गांधारी खंडहरों में खड़ी थी। उसके दिल में दुख और क्रोध भड़क रहा था। युद्ध से जख्मी धरती उसके साथ रोती है। हवा का हर झोंका शहीदों के लिए विलाप करता है। निराशा से अंधी हो चुकी गांधारी ने अपनी दृष्टिहीन आंखों को स्वर्ग की ओर घुमाया और कृष्ण को पुकारा। उसकी आवाज ने गड़गड़ाहट की तरह सन्नाटा तोड़ दिया। हे कृष्ण, भाग्य के स्वामी, आपने मेरे बेटों को क्यों नहीं बचाया? तुमने ऐसा क्यों होने दिया? उनके शब्द एक कड़वे अभिशाप दिव्य और नश्वर क्षेत्रों में गूंज उठे। उन्होंने भविष्यवाणी की कि 35 वर्षों के भीतर कृष्ण का अपना वंश यादव संघर्ष में नष्ट हो जाएगा और उनकी स्वर्ण नगरी द्वारका अथक सागर द्वारा निगल ली जाएगी। इस प्रकार एक दिव्य कहानी सामने आती है जो सितारों और एक दुखी माँ के दुख में उकेरी जाती है। चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। वर्ष नदी की तरह बहते रहे अपने साथ भाग्य की फुसफुसाहट लेकर। यादव जो कभी एकता और शक्ति के स्तंभ थे, वे कलह में फंस गए, भाई भाई के खिलाफ हो गए और लालच और ईर्ष्या ने रिश्तेदारी के बंधन को तोड़ दिया। गांधारी की भविष्यवाणी ने स्वर्णिम वैभव और दिव्य कृपा के शहर द्वारका के हृदय में अपने काले धागे बुनने शुरू कर दिए। एक भाग्यशाली रात जब चांद ने समुद्र पर चांदी जैसी चमक बिखेरी तो पानी एक अड़िग बल के साथ ऊपर उठने लगा। लहरें दिव्य दूतों की तरह द्वारका के तटों पर उमड़ पड़ी और शहर को पानी और निराशा के जल प्रलय में वापस ले लिया। स्वर्णिम शिखर और भव्य महल जो कभी ईश्वरीय कृपा के प्रतीक थे, समुद्र द्वारा निगल लिए गए और पीछे केवल गहरे समुद्र का सन्नाटा रह गया। इस प्रलय के बीच दिव्य रक्षक कृष्ण भाग्य और हानि के भार से भारी हृदय के साथ वन में भटक गए। गोधूली के कोमल रंगों में नहाए हुए जंगल में कृष्ण एक भव्य पीपल के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। उनकी आंखें शांत विश्राम में बंद थीं। हवा में पत्तियों की कोमल फुसफुसाहट और दूर से बहने वाली नदियों की कलकल गूंज थी। एक शांत अभयारण्य जो दुनिया की अराजकता से अछूता था। उसे पता नहीं था कि भाग्य के इशारे पर जरा नामक एक शिकारी जंगल में घूम रहा था। उसका दिल शिकार की तलाश में था। घने पत्तों के पीछे हलचल देखकर जरा ने कृष्ण के रूप को हिरण समझकर तीर चलाया। तीर तेज और पक्का था और कृष्ण के पैर में जा लगा। अपनी गंभीर गलती का एहसास होने पर जरा आगे बढ़ा। उसका दिल डर और पछतावे से भर गया। उसके सामने कृष्ण शांत और दीप्तिमान लेटे हुए थे। उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी जो नश्वर क्षेत्र से परे थी। हे भगवान, जरा ने दुख से भरी आवाज में कहा, मैंने अपनी अज्ञानता में आपके साथ अन्याय किया है। हे ईश्वर, मुझे क्षमा करें। कृष्ण ने एक मुस्कान के साथ जंगल को रोशन करते हुए बताया कि जरा बाली का पुनर्जन्म था, जिसके साथ कृष्ण के पिछले अवतार राम ने पिछले जन्म में अन्याय किया था। कृष्ण ने फुसफुसाते हुए कहा, शोक मत करो, क्योंकि तुमने सितारों में लिखी नियति को पूरा किया है। उन शब्दों के साथ कृष्ण का सांसारिक रूप आकाश में विलीन हो गया और पीछे एक ऐसा हृदय छोड़ गया जो शाश्वत प्रकाश दिव्य सार की किरण से धड़क रहा था। कृष्ण का हृदय जो अब एक दीप्तिमान अवशेष है, नदी की धाराओं द्वारा अदृश्य रूप से बहता हुआ धीरे धीरे बह रहा था। यह घने जंगलों और विशाल मैदानों से होकर यात्रा करता हुआ दिव्य कृपा और शाश्वत जीवन का प्रतीक है। अंत में यह पुरी के तट पर पहुंचा जो रहस्यमय परंपराओं और प्राचीन ज्ञान से भरी भूमि है। वहां ताड़ के पत्तों की सरसराहट और पुजारियों के लयबद्ध मंत्रों के बीच विश्व बसु नामक एक विनम्र सरदार ने हृदय की खोज की। हृदय की चमकदार नीली चमक से विस्मित होकर विश्व बसु ने इसे एक गुप्त गुफा में स्थापित किया और इसे नील माधव नीले भगवान के रूप में पूजा। हृदय जो अब शाश्वत दिव्यता का प्रतीक है, ने अपनी शांत रोशनी भूमि पर बिखेरी और उन सभी को आशीर्वाद दिया जो इसकी कृपा और ज्ञान की तलाश में आए थे। पुरी के पवित्र तटों से दूर एक सुदूर राज्य में भगवान विष्णु के एक भक्त राजा इंद्रद्युम्न ने
चमत्कारी नीले पत्थर और उसकी दिव्य शक्ति की कहानियां सुनी। उनकी आत्मा में एक उत्कट इच्छा जागृत हुई और उन्होंने इस पवित्र अवशेष को अपनी भूमि पर लाने के लिए खोज शुरू कर दी। उन्होंने अपने भरोसेमंद पुजारी विद्यापति को नील माधव का पता लगाने और उसे वापस लाने के लिए एक यात्रा पर भेजा। विद्यापति विश्व बसु के गांव में गए और चतुराईपूर्ण रणनीति के माध्यम से दिव्य पत्थर की झलक पाने में कामयाब रहे। उन्होंने अपने रास्ते को सरसों के बीजों से चिन्हित किया, जो सुनहरे फूलों की एक पंक्ति में खिल गए, जो उन्हें एक दिव्य खजाने के वादे के साथ अपने राजा के पास वापस ले गए। हालांकि उत्सुक राजा के साथ लौटने पर उन्होंने गुफा को खाली पाया। पवित्र पत्थर को खोने के डर से विश्व बसु ने इसे छिपा दिया था। निराश होकर राजा इंद्रद्युम्न ने प्रार्थना की। उनका हृदय अधूरी लालसा से भारी था। उस रात जब वे गहरी नींद में लेटे थे, उन्हें एक अद्वितीय सौंदर्य का दर्शन हुआ। दिव्य प्रकाश में नहाए भगवान विष्णु प्रकट हुए और हवा की तरह कोमल आवाज में बोले, हे राजा, समुद्र के किनारे जाओ और वहां तुम्हें नियम की लकड़ी का एक पवित्र तख्ता मिलेगा। इस लकड़ी से नई मूर्तियां बनाओ जो मेरे सार को मूर्त रूप देंगी। भोर होते ही नई आशा से भरे हुए राजा किनारे की ओर दौड़े। वहां लहरों के बीच उन्होंने पवित्र तख्ता पाया, जो एक अलौकिक प्रकाश से चमक रहा था। उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद तख्ता असंभव रूप से भारी था। केवल जब विश्व बसु ने अपने विनम्र हृदय से तख्ते को छुआ तो वह हिला। साथ में वे इसे वापस राज्य में ले गए, जो दिव्य वादे और शाश्वत आशा का प्रतीक था। राजा ने पवित्र लकड़ी से मूर्तियां बनाने के लिए एक कुशल कारीगर की तलाश की। एक दिन युगों के रहस्य में लिपटा एक बूढ़ा व्यक्ति महल के द्वार पर प्रकट हुआ। वह भगवान विश्वकर्मा थे, जो एक नश्वर वेश में दिव्य वास्तुकार थे। वह मूर्तियां बनाने के लिए सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्हें 21 दिनों तक बिना किसी बाधा के काम करना होगा। राजा इंद्रद्युम्न दिव्य रूपों को देखने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने शर्तों पर सहमति व्यक्त की। रहस्यमय कारीगर ने अपना पवित्र कार्य शुरू किया। उसके काम की आवाज महल को एक लय से भर रही थी, जो ब्रह्मांड की धड़कन को प्रतिध्वनित करती थी। दिन रात में बदल गए और महल प्रत्याशा से जीवंत हो गया। 15वें दिन आवाजें बंद हो गईं, जिससे हवा में भारी सन्नाटा छा गया। कारीगर के कल्याण के लिए चिंतित रानी ने राजा से उसे देखने का आग्रह किया। जिज्ञासा और चिंता से अभिभूत होकर राजा ने पवित्र वचन तोड़ते हुए दरवाजा खोल दिया। कक्ष के अंदर उन्होंने पाया कि मूर्तियां केवल आंशिक रूप से ही उकेरी गई थी। कारीगर गायब हो गया था और पीछे 3 अधूरी आकृतियां छोड़ गया था, जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। अपने अधूरे रूपों के बावजूद वे एक दिव्य प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे, जिसने कमरे को दिव्य कृपा की आभा से भर दिया। पश्चाताप से अभिभूत होकर राजा घुटनों के बल गिर पड़ा और क्षमा के लिए प्रार्थना करने लगा। एक बार फिर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनकी आवाज राजा के व्यथित हृदय को सुखदायक मरहम की तरह लगी। ये रूप हालांकि अधूरे हैं, लेकिन अपने सार में परिपूर्ण हैं। मेरे शाश्वत हृदय को उनके भीतर रखें और वे दुनिया को आशीर्वाद देंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने गहरी श्रद्धा के साथ पुरी में समुद्र के पास एक भव्य मंदिर में मूर्तियों को स्थापित किया। उन्होंने दिव्य हृदय को, जिसे अब ब्रह्म पद के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर रखा। मंदिर दिव्य प्रकाश का एक प्रकाश स्तंभ, आध्यात्मिक कृपा का एक अभयारण्य बन गया, जो पूरे देश से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। प्रत्येक ब्रह्मांड के भगवान का आशीर्वाद चाहता है। हर 12 से 19 साल एक दुर्लभ खगोलीय संरेखण के तत्वावधान में पवित्र मूर्तियों का नवीनीकरण किया जाता है। कारीगर एक विशेष नीम के पेड़ को खोजने के लिए खोज पर निकलते हैं, जिसे दारू ब्रह्मा के रूप में जाना जाता है, जिससे नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। प्राचीन परंपरा और दिव्य श्रद्धा से ओतप्रोत एक अनुष्ठान में ब्रह्म पद को नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे पुरी में दिव्य उपस्थिति की निरंतरता सुनिश्चित होती है।
यह पवित्र परंपरा अटूट विश्वास का प्रमाण है जो मूर्तियों में नई जान फूंकती है, कृष्ण के शाश्वत हृदय और भगवान जगन्नाथ के असीम आशीर्वाद को कायम रखती है। पुरी की समृद्ध कला का आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष रथ यात्रा है, दिव्य उत्सव का उत्सव है। इस उत्सव के दौरान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को विशाल अलंकृत रूप से सजाए गए रथों पर रखा जाता है। हर्षोल्लासपूर्ण मंत्रोच्चार और उत्कट प्रार्थनाओं के साथ रथों को सड़कों से होते हुए मंदिर की ओर खींचा जाता है।